करणी सेना हिमाचल ने अपना दूसरा स्थापना दिवस बिलासपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने बताया कि पूरे देश के 22 राज्यों में करणी सेना दूसरा स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि करणी सेना हिमाचल के 8 जिलों में कार्य कर रही है और आने वाले 2 महीनों में करणी सेना सदस्यता अभियान शुरू करेगी और हिमाचल में 5,00,000 सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक करणी सेना हिमाचल में 1,00,000 लोगों को करणी सेना के साथ जोड़ चुकी है और आने वाले 1 वर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर करणी सेना के कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाकर सदस्यता में जोड़ने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था और वो चाहे जीते थे या हारे थे, उन सबको आज सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जिसमें करणी सेना के द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों के साथ हारे हुए प्रत्याशियों को भी सम्मानित किया गया, ताकि इस मंच पर अपनी पंचायत के विकास के लिए सभी एक साथ आगे चले, ताकि करणी सेना भी आगे चलकर पंचायत के कार्यों में हाथ बंटा सके। करणी सेना के पीयूष चंदेल ने बताया कि करणी सेना सामाजिक संगठन है और राष्ट्रवादी के मुद्दों को उठाती आई है। करणी सेना उपद्रवियों के खिलाफ आवाज उठाती है। करणी सेना समाज के कार्यों को लेकर खड़ी रहती है। करणी सेना का द्वितीय स्थापना दिवस है और उसी के उपरांत आज पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्य करणी सेना स्थापना दिवस मना रही है। आज हम हिमाचल में जिला बिलासपुर में करणी सेना ने स्थापना दिवस मनाया और स्थापना दिवस के साथ हमने सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। इसमें इस बार पंचायती राज चुनावों में इस बार जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ा था, जो भी प्रत्याशी था, चाहे वो जीता था चाहे हारा था, हमने सबको सम्मान करने का कार्यक्रम किया आज। और ये प्रदेश ने शायद देश में पहला कार्यक्रम होगा जिसमें हारे हुए प्रत्याशियों का भी हमने सम्मान किया और जीते हुए प्रत्याशियों का भी सम्मान किया। तो हमने कोशिश की कि सभी को एक साथ आगे चलना है तो सभी को एक साथ तालमेल के साथ अपने पंचायत में काम करना है, तो इसीलिए हमने ये सम्मान समारोह का आज हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि आगे भी हम भी एक सामाजिक संगठन होने के नाते पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समाज सेवा कर सके और इनके साथ हाथ बटा सके पंचायत के चुनाव कार्यों में। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 8 जिलों में करणी सेना ने स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया है और आगे आने वाले 2 महीने में करणी सेना फिर से सदस्यता अभियान को चलाएगी। और अभी हमने ये तय किया है कि करणी सेना हिमाचल प्रदेश में 5,00,000 सदस्यों को करणी सेना में जोड़ने का कार्य करेगी। अभी हिमाचल प्रदेश में करणी सेना 1,00,000 सदस्य जोड़ चुकी है और जल्द ही आने वाले 1 साल में करणी सेना पूरे विधानसभा स्तर पर गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम करेगी और लोगों को करणी सेना के प्रति और करणी सेना के उद्देश्यों के प्रति जोड़ने का कार्य करेगी। राष्ट्रवादी संगठन है जो समाज हित के कार्य करती है और लगातार करणी सेना इतने सालों से सामाजिक मुद्दों को उठाते आई है, राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाते आई है और हमारे इतिहास के साथ यदि कोई छेड़छाड़ ना कर सके तो इसीलिए उन उपद्रवियों के खिलाफ भी करणी सेना हमेशा आवाज़ अपनी बुलंद करती है। और करणी सेना एक सामाजिक संगठन है और समाज के कार्य करती है।